तो आज मैंने आपको टीसीएस का बताया, अब आप लोग से कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे। अगले सेशन में मैं फिर विप्रो कैपिटल जैसे बड़ी कंपनियों की बात करूंगा, ठीक है। टास्क ऑफ द डे लिखो, टास्क भी आज से लिखना पड़ेगा, फिर संडे में ये सब एक किनारे धूल खाते रहते हैं। टास्क पहला, मेक सीवी, आपको सीवी बना के ट्यूजडे तक मुझे दिखाना है। मेक योर सीवी एंड सेंड टू मी, आप सीवी बनाइए, सीवी मैंने बनाना बताया, फॉर्मेट बनाइए, खुद बनाइए, बनवाइए, मेरे को ना करिए, मुझे चाहिए मिनिमम थ्री पेज का सीवी चाहिए, इट इज नॉट अ रिज्यूम। दूसरा, सेकंड, आपको क्या आपको करना है, इंक्वायर अबाउट टीसीएस और सभी एमएनसीज की सैलरी पैकेजेस देखे। नो सैलरी पैकेज अबाउट टीसीएस अदर एम्प्लॉय एमएनसी, आप देखिए ना भाई टीसीएस क्या क्या सैलरी दे रहा हूँ, सैलरी पैकेजेस हमें क्या ऑफर हो रही है, किस किस सेक्टर में कहाँ कहाँ किस किस शहरों में जॉब है, देखिए टीसीएस का विप्रो का जॉब देती है। शायद आपको पता नहीं कि आपका सबसे निकटवर्ती है नागपुर इंदौर, टीसीएस नागपुर इंदौर में है, विप्रो नागपुर इंदौर में आ चुका है। ज्यादा दूर नहीं, 6 घंटे के लिए इलाज करा सकते हो, नौकरी के लिए नहीं जा सकते, बहुत बढ़िया इलाज, अभी लेटने चले जाओ सर जी, पेट में बहुत दर्द है, नागपुर में पहुंच गए। वही किसी ने कहा कि आईटी सेक्टर में चले जाइए, एक रिज्यूम दे आइए, सर आईटी सेक्टर में कहा कहिए सर, कहा टीसीएस देता हूँ, मेट्रो ट्रेन देखने चले जाएंगे वहाँ। हाँ वहाँ घंटों मेट्रो ट्रेन में एक नहीं 7-8 राउंड लगा देंगे नागपुर, पता सुबह से शाम तक जब ट्रेन नहीं आ रही मेट्रो ट्रेन में राउंड लगाए जाते हैं, ठीक है, जान दो टिकट सस्ता रहता है ऐसा कहा जाता है, ठीक है, घुमा लो और रिज्यूम सैलरी वाली सब बन जाएंगे। आप जाके बैठिए ना, जाइए टीसीएस में, जाते हैं यहाँ से नागपुर की ट्रेन में बहुत सारे बुद्धिजीवी भी बैठते रात को, जो इंदौर और नागपुर में रात को जाते हुए पाया जाता है, ये बीमार नहीं रहता, आप इनको सोचे कि लगता है इनको लगता बहुत बीमारी है, ये सीरियस लेके जाते हैं और नागपुर में जाके आप पहली बार चढ़ो तो आप बोले आपको क्या बीमारी है, आपको बीमारी है क्या, आप हट्टे कट्टे देख रहे हैं, भैया नागपुर में जा रहा हूँ रिज्यूम देने, इंदौर में जा रहा हूँ रिज्यूम देने, तो आप भी जाके एक बार रिज्यूम देखे तो आइए, कोई जान से तो मारने लेंगे, कोई लोग ऐसे डरते कि जैसे हम सीवी लेके जाएंगे तो पता चला वहीं पे खत्म कर दिया आपको, जाइए इनके आचार से बात करिए, ठीक है। नागपुर में कौन सा आपका आईटी हब है, नेट में देखिएगा, सबसे बड़ा आईटी हब नागपुर में बनाया, मानिए गडकरी जी ने बनाया है, बता दिया आपको, बन गया, कब का बन के चल गया, कत्ते लोग को जॉब मिल गई, जबलपुर वालों को सिर्फ अभी तक वहां के इलाज डॉक्टर ही दे रहे हैं, आईटी हब बन गया, कौन सा है आईटी हब देखना आप, वो एम से कुछ नाम है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है, हाँ देख लो तुम जब तक। और इसके बाद लास्ट वर्क मैं आपको क्या दे रहा हूं, लास्ट वर्क एमएनसी करियर बेनिफिट, मल्टीनेशनल कंपनी के करियर बेनिफिट की लिस्ट बनाइएगा, ये सर मुझे गुरुवार 6 तारीख को चाहिए। एमएनसी का करियर बेनिफिट क्या है भैया, सरकारी नौकरी की तो सर ऐसा पेंशन मिलती है सर, मैं मर जाती हूँ दीदी को मिल जाएंगे, लड़की अवैवाहिक है तो उसको भी मिल जाएगा, हाँ और क्या सर, टीएडीए मिलता है, पे कमीशन आते हैं, सरकारी के तो हजारों दिला देते हो, आप एमएनसी में क्या मिलता है, क्या सैलरी पैकेज, क्या आपको सुविधा एमएनसी में मिलती है, आप सर्च करिए मुझे बताइए, चाहिए कुछ मिलती है सुविधाएं, सुबह क्योंकि सैलरी में सुबह के लोग कमा रहे हैं, आपको पता 5 साल में 5 बिल्डिंग खड़ी करने की ताकत एमएनसी देता है, 5 साल में 5 बड़ी बड़ी लग्जरी बिल्डिंग कारें खड़ी कर रहा है इंसान, क्या हो रहा है वहां पे, जाइए ना हैदराबाद में, हैदराबाद में आपको मिलेंगे चाय पीते हुए एमएनसी वाले मिले, बोले क्या बोले मेरे पास 7-8 बिल्डिंग्स है और बड़े नॉर्मल रहते हैं, आप जैसे घमंड दिखाते हो, आपके पास जैसे बाप की कार में बड़ी गो दिखाते हो, अपनी कार भी गो नहीं होगी, बस बोलो हाफ पैंट में घूमते हैं, हाँ हाफ पैंट में घूमते हैं और बड़े नॉर्मल जिंदगी, हम लोग तो सेंट ऐसे से मारते थे हैवी वाला, उन लोग तो कुछ सेंट मारते, ठीक है, आ जल्दी, अच्छा चलिए अब आप लोग का सेक्शन चालू हो रहा है, फटाफट हम लोग 15-20 मिनट आप लोग का सेक्शन चला रहे हैं आज।